नमस्कार दोस्तों आप सभी का एन एस लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हम सेकंड ऑर्डर का लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को देखिए उसके बाद दोस्तों आप सीरीज़ आर एल सी सर्किट्स का ट्रांसजेंट रिस्पॉन्स बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है और ये आर एल और सी ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं और इनके बीच में एक स्विचिंग कॉन्फिग्रेशन है इस स्विच की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों ये स्विच आपका टी इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव पे ऑफ है ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं दोस्तों और अगर मैं कहूँ कि टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स इसका मतलब अब ये स्विच क्या है दोस्तों अबाउट टू ऑन ये कंडीशन है दोस्तों और अगर मैं कहूँ t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव तो हमारा जो स्विच है दोस्तों वो ऑन हो चुका है तो हम अब उस टाइम की बात करेंगे जब हमारा स्विच ऑन हो चुका होगा तो जैसे ही दोस्तों हमारा स्विच ये ऑन होगा तो यहाँ से डेफिनेटली एक करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट होगा दोस्तों वो सीरीज करंट होगा जो सभी सर्किट एलिमेंट्स में से सेम वैल्यू से पास होगा बिकॉज सीरीज़ में दोस्तों करंट आपका सेम रहता है अब इसके बाद दोस्तों आप चूँकि ये एक सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे हम के वी एल यूज़ करेंगे जब के वी एल यूज़ करेंगे तो हमारी के वी एल इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी V इज़ इक्वल टू आई इन टू आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर प्लस एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी दिस वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर तो ये दोस्तों आपकी केवियल इक्वेशंस है किसी भी सीरीज आर एल सी सर्किट बाइस्ड विद वोल्टेज सोर्स अब इसके बाद दोस्तों आपको इसको एक स्टैंडर्ड डिफ्रेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज़ यहाँ पे दोस्तों इस टर्म में इंटीग्रेशन आया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही हमारा सबसे पहला इंटेंशन है कि जहाँ इंटीग्रेशन है उस इक्वेशंस को आप डिफरेंशिएट करें ताकि वो इंटीग्रेशन टर्म्स ख़त्म हो सके तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्सटेंट्स का इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट्स का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों ज़ीरो होता है और आर कॉन्स्टेंट है और आई का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी प्लस एल कॉन्स्टेंट है दोस्तों ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वेयर आई बाई डी टी प्लस इंटीग्रेशन यहाँ कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन से और ये बनेगा दोस्तों आई डिवाइडेड बाई सी अब दोस्तों इस डिफरेंसीशन इक्वेशन जो आपकी बनी है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें यानी इस कंप्लीट इक्वेशंस को एल से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन ये बनेगी डी स्क्वेयर आई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस आर डिवाइड एल डी आई डी टी प्लस आई डिवाइडेड बाय एल इंटू सी दैट इज इक्वल टू जीरो राइट तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक ऐसी ही स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और उसके सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं डी बाई डी को आप कैपिटल डी से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद इस इक्वेशंस को हम ये लिख सकते हैं दैट इज डी स्क्वेयर प्लस आर डिवाइड बाई एल डी प्लस वन अपॉन एल सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो राइट अब दोस्तों ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे जो आपके वेरिएबल हैं वो कैपिटल डी हैं तो यहाँ से दोस्तों आप डी वन और डी टू क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स मिलेंगे और उसमें क्या होगा दोस्तों अगर हम इसको स्टैंडर्ड्स डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये दोस्तों ए है ए आपका यहाँ पे वन है और ये दोस्तों आपका बी है डी का जो कोफिशेंट है दैट इज़ आर डिवाइड बाई एल और वन अपॉन एल सी आपका सी है तो जब आप इसको स्टैंडर्ड्स रूट्स इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस बी दैट इज माइनस आर डिवाइड बाई एल प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र इट मीन आर डिवाइड बाई एल स्क्स फोर ए सी ए आपका वन है सी आपका वन अपॉन एल सी है तो ये बनेगा दोस्तों फोर डिवाइड बाई एल सी एंड दिस इज डिवाइडेड बाई टू सिंस आपका वन है तो ये इक्वेशन बनेगी तो इसमें दोस्तों जब डिवाइडेड बाई टू है आप इसको एक बार और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लें तो यहाँ पे बनेगा माइनस आर डिवाइड बाई टू एल क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का है ये दोस्तों हमने यहाँ कंप्लीट सोल्व किया है और फिर इक्वेशन हमारी बनेगी जब ये डिवाइड बाई टू है दोस्तों जब इस रूट्स के अंदर जाएगा तो इसको हम डिवाइड बाई फोर कर सकते हैं क्योंकि फोर का जो रूट है वो टू होता है तो ये बनेगा दोस्तों आर डिवाइडेड बाई टू एल होल स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एल सी राइट इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं जो हमारा माइनस आर डिवाइड बाई टू एल है इसको हम कंसिडर करते हैं ये हमारा एल्फा है राइट और जो दोस्तों ये हमारी स्क्वेयर रूट में जो टर्म है आ, लेटस से आर डिवाइड बाय टू एल होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर सी इसको दोस्तों हम मानते हैं ये हमारा बीटा है तो दोस्तों यहां पे अल्फा और बीटा हमने असाइन कर लिया इन वैल्यूज को तो अब दोस्तों यहां पे तीन केसेज होंगे क्या केसेज होंगे दोस्तों केस वन केस वन होगा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो टर्म है दोस्तों आर डिवाइड बाई टू एल होल स्क्वेयर एंड वन अपॉन एल सी इन दोनों का कंपेरिजन दोस्तों अगर ये फैक्टर इस फैक्टर से बड़ा है तो डेफिनेटली जो इसका रूट होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो केस वन होगा दोस्तों आर डिवाइड बाई टू एल होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन वन बाई एल सी तो अगर ऐसा है तो दोस्तों इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेश के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों आपके रियल होंगे और डेफिनेटली अन इक्वल होंगे इस कंडीशन पे और जब भी दोस्तों सीरीज आरएलसी सर्किट्स में ये कंडीशन रहेगी तो आप इसको बोलेंगे कि ये आपकी ओवर डेम्प्ड कंडीशन है ओवर डैम्प्ड ये एक कीवर्ड है दोस्तों इसको याद रखना ओवर डैम्प्ड और इस केस में जो इसका एक जर्नल सॉल्यूशन होगा वो बनेगा दोस्तों आई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू के वन ई रेज टू पावर इसको हमने अल्फा से असाइन किया था इसको बीटा से असाइन किया था तो एक रूट बनेगा दोस्तों अल्फा माइनस बीटा यहाँ से और दूसरा रूट बनेगा अल्फा प्लस बीटा तो इसका मतलब ई रेज टू पावर फर्स्ट रूट दैट इज एल्फा माइनस बीटा इन टू टी प्लस के टू ई रेज टू पावर एल्फा प्लस बीटा इंटू टी तो ये हमारा फर्स्ट जर्नल सोलूशंस बनेगा आई ऑफ टी और ये जो करंट होगा दोस्तों जब हम ओवरडेम्प्ट कंडीशंस में करंट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे यानी जब सर्किट्स में आर डिवाइड बाई टू एल होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन वन अपॉन एल सी होगा तो हमारा रिस्पॉन्स दोस्तों ओवरडेम्प्ट रिस्पॉन्स होगा और उसका जो कर्व होगा वो आपके सामने यहाँ पे होगा कुछ इस टाइप का यानी करंट हमारा स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होगा और उसके बाद हमारा करंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जीरो पे हो जाएगा और एक्चुअल में यही होना चाहिए दोस्तों क्योंकि स्टडी स्टेट्स में ये जो कैपेसिटर है आपका ये ओपन सर्किट्स की तरह बिहेव करेगा और जब भी कोई सर्किट ओपन होता है तो वहाँ पर आपका करंट जीरो हो जाता है तो ये जो कर्व है दोस्तों इसको आप कहेंगे ओवरडम्प्ड रिस्पॉन्स और ओवरडम्प्ड कर्व ऑफ करंट रेस्पॉन्स अब दोस्तों हम बात करते हैं केस नंबर टू की केस नंबर टू में अगर आर डिवाइड बाई टू एल इक्वल टू वन अपॉन एल सी हो जाए तो ये जो पूरी टर्म है दोस्तों ये आपकी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब जो रूट्स मिलेंगे आपको वो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे तो आप इस केस को स्टडी करिए आर डिवाइड बाई टू एल स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी तो अगर ऐसा केस है किसी भी सीरीज आर एल सी में तो दोस्तों इस केस को हम कहेंगे क्रिटिकल डेम्प्ट क्रिटिकल डेम्प्ट केस और इस केस में दोस्तों जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे राइट right? जब कोई भी रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमने इसका जर्नल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में उसका जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज करंट तो उसमें बनेगा दोस्तों हमारा के वन प्लस के टू इंटू टी एंड ई रेज टू पावर जो भी आपका रूट है दोस्तों तो आपने आर डिवाइड बाई टूएल्व को एल्फा कंसिडर किया था तो इसको लिखेंगे ई रेज टू पावर एल्फा इंटू टी ठीक है और जब आप इस केस का करंट रिस्पॉन्स स्टडी करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ से ऐसे कर्व होगी और फिर धीरे धीरे आपका रेस्पॉन्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आप ओवर डैम्प्ट और क्रिटिकली डैम्प्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी कंपेरेटिवली करंट की वैल्यू एक पॉइंट पे ज़्यादा होगी बट कर्व दोनों के सिमिलर होंगे कि फर्स्ट जो टाइम बढ़ेगा तो आपका करंट बढ़ेगा लेकिन बाय द टाइम आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा फिर दोस्तों हम स्टडी करेंगे केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में अगर आपका आर डिवाइड बाई टू एल स्क्र अगर ये दोस्तों वन अपॉन एल सी से छोटा हो मीन्स आर डिवाइड बाई टू एल होल स्क्र इज़ लेस देन वन अपॉन एल सी तो ऐसे केसेस में दोस्तों जो ये अंडर द रूट टर्म्स है ये नेगेटिव होगी और नेगेटिव टर्म्स का जो अंडर रूट होगा वो दोस्तों हमेशा इमेजिनरी वैल्यू होगा तो ये रियल है और यहाँ का इमेजिनरी वैल्यू होगा इट मीन्स दोस्तों जो आपके रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे तो रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऐसे केसेस में जो ये सिस्टम होगा जो आर एल सी आपका सर्किट है इसको हम कहेंगे अंडर डैम्प्ड अंडर अंडर डैम्प्ड कंडीशन और इस केस में जो आपका रेस्पॉन्स होगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स केसेस के जो हमारे जर्नल सॉल्यूशंस थे वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो यहाँ पे हम जर्नल सॉल्यूशन लिख सकते हैं वो होगा दोस्तों हमारा ई रेज टू पावर एल्फा टी मल्टीप्लाई विद के वन कोस बीटा टी प्लस के टू साइन बीटा टी ये आपका जर्नल रेस्पॉन्स होगा और इसका जो आपका करो बनेगा करंट रेस्पॉन्स का वो दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा ये आपका आई ऑफ़ टी है और ये आपका टाइम है करो दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ओसिलेशन जनरेट होंगे कुछ टाइम तक करंट आपका मैक्सिमम होगा फिर करंट आपका मिनिमम होगा फिर जीरो होके करंट की डायरेक्शन चेंज होगी फिर आपकी धीरे धीरे करंट जीरो पे जाएगा फिर से आपका करंट पॉजिटिवली अफवर्ड जाएगा और इस तरीके से ये एक ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा और धीरे धीरे दोस्तों वो जो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है वो आपका डैम्प्ड आउट हो जाएगा यानी आपका जो रिस्पॉन्स है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे तीन केसेस बहुत बार पूछे जाते हैं कि कब आपका केस ओवर डेम्प्ट होगा कब आपका केस क्रिटिकली डैम्प्ड होगा और कब आपका केस अंडर डैम्प्ट होगा एक छोटा सा केस और भी हो सकता है दोस्तों अगर इन केस इसको यहाँ स्पेस है तो यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं केस नंबर फोर अगर दोस्तों इस सर्किट में रेजिस्टेंस आपका जीरो है तो जब भी दोस्तों इस इक्वेशंस में आप रेजिस्टेंस को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास जो रूट्स बनेंगे वो रूट्स ओनली इमेजिनरी रूट्स होंगे सिर्फ इमेजिनरी रूट्स होंगे आपके पास और उनकी अ जो आपका रेस्पॉन्स होगा दोस्तों वो आई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू के वन कोस बीटा टी प्लस के टू साइन बीटा टी होगा और इस केस में दोस्तों जब आप एक कर्व को फाइंड आउट करेंगे आर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इस केस को हम कहते हैं अनडैम्प्ड यानी यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है डैम्पिंग का मतलब होता है दोस्तों जहाँ भी ओसिलेशंस होती है उन ऑसिलेशन्स को हम रिड्यूज़ करना चाहते हैं तो अगर हमारा रेस्पॉन्स डैम्प्ड होगा इट मीन्स फाइनली उस रेस्पॉन्स में कोई ऑसिलेशन नहीं होंगी बट अनडैम्प्ड है तो जो आपका रेस्पॉन्स है करंट रेस्पॉन्स इस सर्किट में वो आपका अनडैम्प्ड होगा यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सस्टेंड ओसिलेशन्स मिलती रहेंगी यानी करंट आपका कभी जीरो नहीं होगा वो एक अल्टरनेटिंग करंट के फैशंस में चेंज होता रहेगा सो दिस इज दी इन डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट्स फॉर द ट्रांजियंट रेस्पॉन्स एनालिसिस तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर सर्किट्स का एनालिसिस करने के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर सर्किट्स होंगे उनका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस इन डिटेल स्टडी करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो